ये देखिए बाबू मेरे, बेटा तुम फिर बात नहीं मानते हो। ये देखिए बाबू को आज क्लिनिक लेके आए हैं, और इनको क्लिनिक क्यों लेके आए ये आप लोग को अभी पता चलेगा। तो जैसे आप लोग कहते हो कि मतलब उसको दिखवाइए करिए, मतलब आप लोग समझ नहीं सकते इस बात को कैसे बताएं, पर बाबू मेरा बहुत ज़्यादा प्यारा मेरा, उसको ज़रा सा कुछ भी होता है तो मतलब मुझे लगता है तुरंत अपने बच्चे को हम दिखाएं। और देखिए मटकू मेरे कैसे जा रहे हैं, जो आँखों से इनके पानी आ रहा है। मैं समझी हम लोग देहरादून तक गए थे, एक उस पर डाला भी था, फिर किसी ने कहा यहाँ पर ये डॉक्टर है इनको दिखा लो, तब इनको यहाँ लेके आए। एक बार यहाँ पे भी आ चुकी हैं, चीन में उसकी वो बैटरी लो हो गई है। लाइट नहीं है क्या भैया यहाँ पे? अच्छा अच्छा हाँ हम लोग पता है। अब देखिए मशीन में लो अलग से वायर लगा के ऑन के। बाबू इस पे बैठो, इस पे हाँ बैठो, इस पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठे रहो। देखिए एक तो मैम इसकी आंखों से ये पानी सा निकल रहा है, क्या नाम है इसका? गिन्नी नहीं, मैम नहीं थी, मैम थी नहीं, ये लोग थे। यही होता रहता है ऐसे बिचारी की, तो एक तो गंदा भी लगता है देखने, फिर लगता है बिचारी को लग भी रहा होगा क्या रहा है। था ये इसके अब करीब 5-6 महीने से हो रहा है, तो हम लोग देहरादून ले गए थे, वहाँ पे दिखाया इसको, उन्होंने आई ड्रॉप दिया, तो फिर यहाँ पे भी लेके आए थे, तो इन भैया ने डॉक्टर से पूछा था, ड्रॉप दिया था बस, तो टाइम हो गया है, नहीं 6-7 महीने हो गए। वो उसका वो होगा ना आपके पास पर्चा जो उस बच्चे ने भेजा था आपको? क्यों ना दिखा लो, दिखा लो, दिखा लो गुड़िया, दिखा लो, दिखा लो अक्कू अपनी, दिखा लो बच्चे। बाकी जो ऐसे आप आई ड्रॉप डालेंगे तो ठीक रहेगा, अदरवाइज वो इसका आपको अगर परमानेंट क्योर कुछ कहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, और ये कोई बड़ी बीमारी कुछ नहीं है। ऐसे ऐसा हो सके पेट में लीवर में कोई दिक्कत कुछ, वो इसके लिए प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं वो बता रही हूँ अभी। बाकी इस स्टेन की अगर सिर्फ बात करें, अच्छा अच्छा, इसके लिए मैं बता रही हूँ। तो ये स्टेन तभी होते हैं, पहले इसके सिर्फ एक हाथ पे था, अब इसके दोनों हाथ पे होने लगा। हाँ फीवर तो नहीं है, गुड्डा। बाकी ना इसका एक बार ब्लड टेस्ट करेंगे, एक्सरे करेंगे, हाँ ठीक है। आप लेके आइएगा, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमको देके चले जाइए, जिस दिन वो आ जाएंगे कल या फिर परसों हम बुला लेंगे। अच्छा ठीक, ब्लड टेस्ट कर लेंगे, अगर आप जो बोल रहे हैं लीवर किडनी का कुछ। हाँ भाई वो भी ना हो ना, फिर डर लगता है कि अभी। भैया नेल्स कटिंग का कर दो इसके, हैं तुम अच्छे से भैया नेल्स नहीं काटते हो उसके, उस बार भी कटवाए थे सारे बड़े ही बड़े रह गए थे। जितना कटिंग लग होता है उतना ही करना, ब्लड आ जाए फिर कैसे रुकेगा? तो देखो भैया आगे के कोई कोई वैसे हो गए ना जिसकी कटिंग कर दो। ये डॉक्टर है यहाँ पे आए थे दिखाने, बाबू अपने नेल्स दिखा रहे हैं, मैंने नेल कटवा लो अपने। गम्मू लग रहा है इनको तो भैया, बड़ी गर्मी लगने लगती, बहुत गम। देखो झाके कौन है, आवाज़ सुनी, कौन है वहाँ, कौन ओली? गुस्सा नहीं वो बैठा है, पेट गुस्सा नहीं करते नहीं बाबू, कट्टू पापा डांटते हैं, कट्टू उसको नहीं करते हैं कुछ। हाँ वो भी बोला बंद कर दिया दरवाजा। तो डॉक्टर बोल रही थी जो आँखों से इनके पानी आ रही, पेट की बात नहीं है, टेंशन की ये होता है। बाबू मेरे झाग कैसे रहे, कहाँ से आवाज़, कहाँ से आवाज़ आ रही बाबू? शोना कहाँ है? ओले ओले गुच्छा, गुच्छा आ रही, बहुत आ रही है। तो ठीक है भैया, तो ऐसा परसों जब इसका वो ब्लड के लेने के लिए आप आएंगे तब आप कर देना, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। अब
परसों बुलाया है कि आपको टेंशन ज़्यादा हो रही, बोली मैम तो ब्लड टेस्ट करा लीजिएगा और एक एक्सरे भी अपने बच्चे का करा देंगे। देखती है, खेलती है, सब करती है, तो वही मैंने कहा एक्टिव तो है, दौड़ती खेलती कूद करते हैं बैठे हैं सो रहे हैं। नहीं इसका ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जब बैठती हैं तब वो, वरना खेलती भी हैं, वो सब करती हैं। चलिए ठीक है मैम, फिर परसों फिर आप उनका ध्यान करा दीजिए। हाँ वो दे दिए, हाँ वो भैया को दे दिए। नमस्ते मैम। तब देखिए रात हो गई है और बाबू मेरे पहले ही से चले गए हैं, तो अब परसों आएंगी ये, तब फिर परसों का आप लोग को बताते हैं। अंधेरा बहुत हो गया है, कार वो खड़ी है और बच्चे मेरे बैठ गए हैं।